हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अगेन टीचिंग टेम्पल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में आपने इसका अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के बारे में जाना था, आज हम इसी का इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। देखिए, ये बहुत ही ईजी है इसको सेंटेंस को बनाना, यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का। यानी कि ये होता है कि वाक्य में ता है, ती है, ते है, इसकी ये पहचान होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। अगर आप इसका अफर्मेटिव या निगेटिव देखना चाहते हैं, हमारा पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जानेंगे। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फिर लास्ट में हमारा होगा इंट्रोगेटिव वर्ब यानी कि प्रश्नवाचक का चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर नोट देखेंगे। अगर वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ डज वाक्य में सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर हमारा सेंटेंस हो गया क्या वो गांव जाता है या बाजार जाता है, तो सबसे पहले हम डज का यूज करेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड में यानी क्या प्रारंभ है, तो सबसे पहले हम डच को लिखते हैं। चलिए हम आगे आपको हम बताते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। यहाँ पर देखिए, दूसरा देखेंगे, इसका नोट नंबर फर्स्ट सेकेंड था। सेकेंड देखेंगे, आई यू वी दे तथा बहुवचन के साथ डू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लूरल में आ जाएगा, आई यू वी दे, यानी बहुवचनकर्ता के साथ हम डू का यूज करेंगे और उसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, देखिए बिल्कुल बना हुआ है, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से यहाँ से हम समझा कर बताएंगे। देखिए, हमारा सेंटेंस है क्या वह गांव जाता है, यानी कि क्या क्या, देखिए हमारा सबसे पहले आ चुका है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है, ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यानी क्या वह बाजार जाता है, क्या आ गया, क्या के लिए सबसे पहले हम डज लिख देंगे। ठीक है, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड का यहाँ पर लगाएंगे, डज का यूज करेंगे। फिर इसके बाद वह यानी ही लिखेंगे। फिर गो, गो मिस क्या होता है, जाना, यानी वो फर्स्ट वो आपका फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, गो टू विलेज। ठीक है, विलेज मिस गाँव, यानी डज ही गो टू विलेज। फिर यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या वह चाय बनाती है, क्या क्या हमारा आ गया। तो सबसे पहले हम डच को आगे निकालेंगे, क्या वह चाय बनाती है, यानी कि ये सिंगुलर में है। ठीक है, ता है, ती है, ते है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यानी क्या वह चाय बनाती है, यानी एक लड़की है चाय बनाती है, यानी कि यह सिंगुलर में है, तो हम डज का यूज करेंगे। डज यहाँ पर हम ही नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हम सी का यूज करेंगे। सी मेक मीन्स होता है बनाना, द टी यानी कि मेक, यहाँ का ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, मेक द टी यानी चाय, क्या वह चाय बनाती है। और लास्ट में हम इंटरोगेटिव वर्ड का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, नेक्स्ट हम सेंटेंस देखेंगे, क्या मैं नदी में तैरता हूँ। यहाँ पर देखेंगे क्या मैं, यानी यहाँ पर आपको हम बताए थे आई यू वी दे, यानी कि बहुवचन के साथ हम डू का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आ गया, क्या के साथ, देखिए यहाँ पर क्या मैं यानी कि ये हमारा क्या है, प्लूरल में है, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे, डू। ठीक है, नदी में तैरता हूँ, क्या मैं नदी में तैरता हूँ। तो देखिए यहाँ पर प्लूरल के लिए हम डू का यूज करेंगे, डू। आई यानी कि मैं के लिए आई का यूज करेंगे, आई। स्विम मिस होता है तैरना, इन द रिवर यानी नदी में, इन द रिवर यानी डू आई स्विम इन द रिवर, और इंटरगेटिव वर्ड का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम्हारा मित्र कहाँ रहता है, तुम्हारा मित्र कहाँ रहता है, यानी कि एक मित्र है। ऐसा तो नहीं सेंटेंस है कि तुम्हारा मित्र कहाँ रहते हैं, तो ये हमारा प्लूरल में आ जाता है, तो यहाँ पर हम डू का यूज करते हैं। लेकिन तुम्हारा मित्र कहाँ रहता है, यानी कि एक वचन है,
तो देखिए यहाँ पर कहाँ के लिए सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले रखते हैं, यानी कि बीच में आपको यदि कब, क्यों, कैसे ऐसा सेंटेंस से मिल जाए तो उसको हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। यानी कि कहाँ के लिए हम वेयर का यूज करेंगे, वेयर डज, डज का यूज क्यों किए हैं, क्योंकि ये सिंगुलर में है। तुम्हारा मित्र कहाँ रहता है, यानी एक मित्र है, यानी कि यहाँ पर सिंगुलर के लिए हम डज का यूज करेंगे। यानी वेयर डज योर, यानी योर मीन्स तुम्हारा फ्रेंड लिव, यानी कि डज सॉरी वेयर डज योर फ्रेंड लिव। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, तुम कौन सी कमीज पसंद करते हो। तुम यानी कौन सी, देखिए यहाँ पर कौन सी है, कौन सी हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, यानी इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। विच, विच मीन्स क्या होता है, कौन सी। ठीक है, विच शर्ट यानी कौन सी कमीज, यानी कि विच शर्ट डू, डू यहाँ पर देखिए तुम है, तुम के लिए हम डू का यूज करेंगे। यानी कि हम बताएं आपको आई यू वी दे के साथ, बहुवचन के साथ हम डू का यूज करते हैं। यानी विच शर्ट डू यू, फिर उसके बाद ये लिखेंगे यू लाइक, यानी तुम कौन सी कमीज पसंद करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, मोहन क्यों नहीं गाता है। मोहन क्यों नहीं गाता, जैसे कि आपको हमने बताया है कि अगर आपको बीच में कब, क्यों, कैसे या तो ऐसा सेंटेंस, आपको ऐसा वर्ड मिल जाए तो उसको सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड का, यानी कि इसको इसी तरह बनाते हैं, इसको सबसे पहले लिख लेंगे। यानी कि वा या क्यों है, तो क्यों के लिए हम वाई का यूज करेंगे। क्यों, वाई मीन्स क्यों, वाई डज मोहन क्यों नहीं गाता है? एक वचन है, एक वचन के साथ हम डज का यूज करेंगे। यानी वाई डज मोहन नॉट सिंग, यानी मोहन क्यों नहीं गाता है, वाई डज मोहन नॉट सिंग, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ये देखिए हमारा सेंटेंस, ये भी देखिए बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड का चिन्ह आ गया, सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड है। यानी वह घर कब नहीं आता है, वह घर कब नहीं आता है। ये देखिए ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, अरे सॉरी ये कब क्यों, ठीक है इंट्रोगेटिव वर्ड है। यानी कि वेन मिस क्या आता है, कब। अब वह यानी कि एक वचन है, एक वचन के लिए हम डच का यूज करेंगे। अब यदि ये ही होता तुम घर कब नहीं आते हो, ठीक है, यानी कि ये हमारा प्लूरल में हो जाता तो यहाँ पर हम डू का यूज करते, लेकिन ये हमारा क्या है सिंगुलर में, तो सिंगुलर के लिए हम डज का यूज करेंगे। वेन डज ही वह नॉट कम, ठीक है, वेन डज ही नॉट कम। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आई होप आज का वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा। फ्रेंड्स हमारे सेंटेंस आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा कि यानी कि ही सी इट के साथ हम एक वचनकर्ता के साथ हम डज का यूज करेंगे, और आई यू वी दे बहुवचन यानी प्लूरल के साथ हम डू का यूज करेंगे, जैसे कि हमारा अदर सेंटेंस बिल्कुल आप इजीली देखे हैं। सो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो से आपने कुछ भी नॉलेज पाया है, कुछ भी सीखा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी कि अब हम चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बाय एंड टेक केयर।